हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। सुखोई फाइटर्स के बाद अब एलसीए तेजस में अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने की चल रही है प्रोसेस। नागरोटा एनकाउंटर के बाद कश्मीर घाटी में फुल बॉडी ट्रक स्कैनर्स को इंस्टॉल करने की मांग। इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग डॉक्टर का कॉन्सेप्ट जल्द ही ले सकता है वास्तविकता का रूप। भूटान में चीन का नया गांव होने वाली रिपोर्ट पर अब चीनी मीडिया की आई प्रतिक्रिया। और यूएस, यूके और इसराइल के बाद अब चीन भी बन रहा है आर्म्ड ड्रोन का मेजर एक्सपोर्टर। आज की सबसे पहली खबर यह है कि भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में भारत की स्वदेशी अस्त्र नाम की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंटीग्रेट करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। और जबकि इस प्रोसेस के तहत अस्त्र मिसाइल को एलसीए तेजस में इंटीग्रेट करके वर्चुअली इसके इनिशियल ग्राउंड ट्रायल्स को कंप्लीट किया जा चुका है। और अब जल्द ही रियल टाइम में एलसीए तेजस में अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करके इसके टेस्ट किए जाएंगे। और ये टेस्ट आने वाले कुछ ही महीनों में होने की संभावना है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि डीआरडीओ अगले साल के पहले हाफ में अस्त्र मिसाइल के एडवांस वेरिएंट यानी कि अस्त्र मार्क 2 के भी टेस्ट आयोजित करने की योजना बना रही है, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर तक होगी। और सोर्सेस का तो ये भी कहना है कि अस्त्र मार्क 2 का भी एक एडवांस वेरिएंट यानी कि अस्त्र मार्क 3 पर भी काम चल रहा है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर तक हो सकती है। और वैसे भी भारत की ये स्वदेशी ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी वाली अस्त्र मिसाइल सुखोई 30 एमकेआई फाइटर्स में एक प्रूवन वेपन के तौर पर अपने आप को साबित कर चुकी है। और आपको ध्यान होगा कि इसी साल जुलाई में डीएसी ने अस्त्र मिसाइल की 288 यूनिट्स के इनिशियल ऑर्डर्स को अप्रूवल दिया था। और अब एक बार एलसी तेजस में इसके फ्लाइट ट्रायल्स पूरे हो जाने के बाद फिर इस मिसाइल का एक बड़े स्केल में ऑर्डर दिया जाएगा। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एलसी तेजस में अस्त्र मिसाइल के इंटीग्रेट होना भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और अब अस्त्र मिसाइल के साथ एलसी तेजस में जो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की कमी थी, अब वो कमी भी दूर होने वाली है। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इसके बाद एलसी तेजस एक एडवांस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में गिना जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमारा स्वदेशी प्लेटफॉर्म है और इसमें जो चीजें इस्तेमाल हुई हैं वो हमने किसी डुप्लीकेट माल बनाने वाले से नहीं ली हैं। और हाँ, एक बात और, अब आप इसे हमारे निकम में पड़ोसी के 10th जनरेशन कम स्पेसशिप यानी कि उनके जंक फाइटर 17, जिसे शॉर्ट फॉर्म में JF-17 भी कहते हैं, उससे कंपेयर करने मत लग जाना, क्योंकि उनकी तो बात ही अलग है। आप सभी को इस बारे में जानकारी होगी कि जो अभी नागरोटा एनकाउंटर हुआ था जिसमें 4 घुसपैठिए मारे गए थे, तो वे 4 के 4 घाटी में एक ट्रक की मदद से प्रवेश कर रहे थे। तो इसीलिए अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीर घाटी के हर एक चेक पॉइंट पर फुल बॉडी ट्रक स्कैनर्स को इंस्टॉल करने की डिमांड की है। और सोर्सेस के मुताबिक ये 4 घुसपैठिए जिस ट्रक से आ रहे थे, असल में वो जो ट्रक है वो सेब लेकर आ रहा था और उन सेबों के बीच में ही ये छुपे हुए थे। और सोर्सेस का कहना है कि ऐसा रैंडम बेसिस पर होता है कि चेकिंग के समय ट्रक के सारे सामान को अनलोड किया जाए, क्योंकि ये सीधी सी बात है, अब हर एक ट्रक के सामान को पूरी तरीके से खाली करा के चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी। तो इसलिए अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक फुल बॉडी ट्रक स्कैनिंग मशीन्स को इंस्टॉल कराने की मांग की है, ताकि घाटी में प्रवेश करने वाले हर एक ट्रक को प्रॉपरली चेक किया जा सके। और इस तरह की मशीन्स को इंस्टॉल करके कई सारे खतरों को भी टाला जा सकता है। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट ये भी है कि इस घटना के बाद भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने सीमा क्षेत्र पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था, और इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक 200 मीटर लंबी सुरंग पाई गई है। और इस सुरंग का डायमीटर भारत की तरफ करीब 12 से 14 इंचेस है, और इसकी टोटल लंबाई तो लगभग 200 मीटर है। और ऐसा माना जा रहा है कि इसकी करीब 40 मीटर की लंबाई पाकिस्तान की तरफ है। और टॉप ऑफिशियल्स के मुताबिक इस नई सुरंग का इस्तेमाल पहली बार इन 4 घुसपैठियों को भारत में प्रवेश कराने के लिए किया गया होगा। और जबकि अभी हाल ही में रिपब्लिक टीवी की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि हमारा निकम्मा पड़ोसी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने के लिए करीब 500 सुअरों को यानी कि करीब 500 आतंकियों को ट्रेन कर रहा है। और इसी के चलते भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर है, और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इन सभी घुसपैठियों को एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशन 500 को इनिशिएट किया गया है। और कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि भारत बांग्लादेश सीमा पर भी घुसपैठ और स्मगलिंग को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस को इन क्षेत्रों पर अनमैन एरियल व्हीकल्स यानी कि UAVs डिप्लॉय करने की मंजूरी दे दी गई है। और ये UAVs संभावित घुसपैठ के प्रयासों की एक रियल टाइम इमेज प्रोवाइड कराने में सक्षम होंगे। आज सोमवार को HAL के स्वदेशी इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर के एक और स्पिन फ्लाइट टेस्ट को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया है। और जबकि HAL के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट को स्पीड, ऑल्टीट्यूड और लोड फैक्टर के मामले में पूरी तरीके से टेस्ट किया जा चुका है। और चूंकि HAL ने इस एयरक्राफ्ट को फिर से मॉडिफाई किया है, तो इसलिए इस नई मॉडिफिकेशन में इस एयरक्राफ्ट में बॉम्ब्स और ड्रॉप टैंक्स को भी इंटीग्रेट किया गया है। और फिलहाल ये मॉडिफिकेशन इस तरह के 2 एयरक्राफ्ट में किए गए हैं। और इन सबके अलावा इस एयरक्राफ्ट में एंटी स्पिन पैराशूट सिस्टम जैसे जरूरी सेफ्टी डिवाइसेज भी लगाए गए हैं।
और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा फ्लाइंग डॉक्टर वाला कॉन्सेप्ट भी वास्तविकता का रूप लेने के बेहद करीब है, क्योंकि अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने इस फ्लाइंग डॉक्टर वाले कॉन्सेप्ट के लिए इंडियन एयरफोर्स की प्रतिबद्धता को दोहराया है, जो कि पायलट फिजिशियन प्रोग्राम का हिस्सा है। और बता दें कि जो ये फ्लाइंग डॉक्टर वाला कॉन्सेप्ट है, इसके तहत इंडियन एयरफोर्स के मेडिकल ऑफिसर्स को फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट फ्लीट और हेलीकॉप्टर्स में फुल ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि इंडियन एयरफोर्स डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और फिर जिसके बाद उन्हें इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में एक मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर रहने का मौका मिलेगा, यानी कि एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के अंदर पायलट के साथ एक मेडिकल ऑफिसर रहेगा। आपको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें कुछ सैटेलाइट इमेजेस के आधार पर यह दावा किया गया था कि चीन ने भूटान में करीब 2 किलोमीटर अंदर अपना एक नया गांव स्थापित किया है। हालांकि फिर उसके बाद भूटान इन्वॉय ने इंडियन मीडिया की इस रिपोर्ट को खारिज किया था और उनका कहना था कि भूटान के अंदर चीन का इस तरह का कोई भी गांव स्थापित नहीं हुआ है। और अब आज चाइनीज माउथपीस गोवर टाइम्स की तरफ से कुछ सैटेलाइट इमेजेस और कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं, जिसमें उन्होंने भूटान में चाइना के किसी गांव के होने वाली इंडियन मीडिया रिपोर्ट को खारिज किया है और कुछ एक्सपर्ट्स के हवाले से ये कहा है कि जिस गांव के बारे में इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स में बात की गई है वो पहले से चीन के ही क्षेत्र में है, जिसको बाहरी ताकतों द्वारा डिस्टॉर्ट नहीं किया जा सकता है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि गोबर टाइम्स का ये भी कहना है कि उन्होंने पाया है कि भारत हमेशा ही चीन और भूटान के बीच विवाद कराने के लिए लगे रहता है और उनके मुताबिक भारत का उसके हर एक पड़ोसी से क्षेत्रीय विवाद है, और इसलिए गोबर टाइम्स का दावा है कि भारत साउथ एशिया में शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर दें कि भारत के केवल 2 ही पड़ोसियों से क्षेत्र विवाद है, एक है हमारा निकम्मा पड़ोसी और दूसरा है खुद चीन, जबकि असल में चीन के उसके हर एक पड़ोसी से विवाद है। अब जहां तक बात है भूटान के अंदर चीन का नया गांव होने की, तो इसके बारे में स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अब जिस तरीके से चीनी मीडिया की इस पर प्रतिक्रिया देखने को मिली है तो अब एक बार के लिए इस बात पे डाउट होना तो बनता है। और वैसे भी डीट्रस्फा जैसे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरफ से कुछ ऐसी सैटेलाइट इमेजेस पेश की गई हैं जो भूटान के अंदर चीन का नया गांव होने के दावे को काफी मजबूत करती हैं। तो सवाल ये उठ जाता है कि अगर वाकई में भूटान के अंदर चीन का कोई नया गांव बना है तो फिर भूटान के इन्वॉइस बात से इनकार क्यों कर रहे हैं, और क्या ये दोकलम में भारत चीन और भूटान के बीच किसी नए विवाद की शुरुआत है। चाइनीज ड्रोन एक्सपोर्ट पर जारी एक नए रिसर्च पेपर में इस बात का खुलासा हुआ है कि 2011 से लेकर 2019 के बीच में करीब 18 देशों ने आर्म्ड ड्रोन्स को हासिल किया है, और इनमें से 11 देश ऐसे हैं जिन्होंने ये ड्रोन्स चीन से लिए हैं, यानी कि आर्म्ड ड्रोन्स के मामले में चीन एक मेजर एक्सपोर्टर के तौर पर निकल के सामने आया है। और चीन के ये आर्म्ड ड्रोन्स जिन कंट्रीज को सप्लाई किए गए हैं उनमें पाकिस्तान भी शामिल है, और जबकि 2011 से पहले केवल 3 ही देश ऐसे थे जो आर्म्ड ड्रोन्स को सप्लाई करते थे, जिनमें यूएस, यूके और इसराइल शामिल है। लेकिन अब इस लिस्ट में चीन भी अपनी जगह बना रहा है, और केवल ड्रोन्स ही नहीं बल्कि चीन असॉल्ट राइफल्स, एम्यूनिशन, फाइटर प्लेन्स और सबमरीन्स भी एक्सपोर्ट करता है। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।